तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है, हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है, नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। इतिहास मुझे चाहे जैसे याद रखे, अगर याद रखे, लेकिन मेरे उस डरावने पहलू से वो हमेशा अनजान रहेगा। मैं और चाहे जो भी हूं, एक पति, एक वकील, एक राष्ट्रपति, मैं हमेशा खुद को एक ऐसा इंसान मानूंगा जिसने अंधेरों से लड़ने की कोशिश की। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अधिकांश लोग उनकी दयालुता, गरीबी से उठकर राष्ट्रपति बनने तक के संघर्ष और दास प्रथा से मुक्ति दिलाने वाले नायक के रूप में जानते हैं। लिंकन के बारे में ज्यादातर लोगों का ज्ञान यहीं तक होता है कि वे कड़ाके की सर्दी में लकड़ी के पत्तों से बने एक झोपड़े में पैदा हुए थे, मीलों चलकर पढ़ने के लिए किताबें उधार लेकर आते थे और रात में अंगीठी की या लोहार की दुकान में जल रही भट्टी की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने सुअर काटने से लेकर लकड़हारे तक का काम किया, खेतों में मजदूरी की, अपने शहर के सबसे ईमानदार वकील कहलाए, जज डगलस से यादगार बहस की और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही वे बातें हैं जो लोग अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं, उनकी गरीबी और शुरुआती राजनीतिक विफलताओं जिनकी वजह से उन्होंने एक बार राजनीति से संन्यास भी ले लिया था, को उनके जीवन की सबसे दुखदायी और त्रासद घटनाओं के रूप में जाना जाता है। इस सब के अलावा उनके जीवन का एक बड़ा पक्ष ऐसा है जिससे लोग अपरिचित ही रह जाते हैं या इसे केवल वही जानते हैं जिन्हें लिंकन के जीवन में विशेष दिलचस्पी रहती हो। यह एक ऐसा पक्ष है जिसे कुछ लोग उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी मानते हैं, और यह भी कि अगर यह त्रासदी न होती तो वे अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। यह त्रासदी थी उनका दाम्पत्य जीवन। 1842 में स्प्रिंगफील्ड कस्बे में मैरी टॉड से उनका विवाह हुआ था। उनके सबसे करीबी और 20 साल तक वकालत में उनके सहयोगी रहे विलियम एच हैंडन ने लिंकन की जीवनी में लिखा है कि विवाह का दिन लिंकन के लिए खुशी का आखिरी दिन था। वे मैरी टॉड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह ऊंची राय रखने वाली, घमंडी और निकचड़ी महिला थी जिसे अपना आपा खोने के लिए पूरा शहर जानता था। उनके अनुसार इंसान की अति महत्वाकांक्षाओं को एक खूबसूरत चित्र के मार्फत दर्ज किया जाए तो वो शक्तियाँ मैरी टॉड का रूप लेगी। मैरी की बहन, जिसके साथ वह कई वर्षों तक रही, वो भी कहती थी कि मैरी चमक दमक, शक्ति और प्रदर्शन पसंद करती थी और उसकी जानकारी में वह दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी महिला थी। हैंडन बताते हैं, इस महिला में गजब की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास था जिसका पता इसी बात से चलता है कि उसने कई वर्ष पहले ही कह दिया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो आगे जाकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। इस बात पर लोग उसका मजाक भी बनाया करते थे, लेकिन वह इस पर अड़ी रहती थी। यह बात वह तब कहा करती थी जब कोई सपने में भी वकालत में संघर्ष कर रहे लिंकन के राष्ट्रपति बनने के बारे नहीं सोच सकता था। अक्टूबर 1842 में शादी के बाद स्प्रिंगफील्ड में ये लोग कई दिनों तक कैथरीन नाम की एक महिला के घर में किराए पर रहे। कैथरीन ने हैंडन को एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि मैरी टॉड लिंकन के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करती थी। एक बार सुबह नाश्ते की मेज पर वह इतनी नाराज हो गई कि उसने सभी के सामने लिंकन के मुंह पर गर्म चाय का प्याला दे मारा। कैथरीन के मुताबिक चौंकाने वाली बात यह थी कि लिंकन को इस घटना पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, वे शांत बैठे रहे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सन 1861 से सन 1865 तक चला। इन्होंने अमेरिका में हो रही गुलामी की प्रथा से वहां के लोगों को मुक्त कराया। उनका मानना था कि जात पात, गोर काले, सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। वे पहले गणतंत्रवादी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इसके पहले वे एक वकील, बिलियन स्टेट के विधायक, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई में अपने साहस और हिम्मत से सफलता हासिल की। अब्राहम लिंकन ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान थे। अब्राहम लिंकन का जन्म कैंटुकी, अमेरिका के हॉडन काउंटी में एक लोग केबिन में हुआ। उनके पिता थॉमस एक मजबूत और निर्धारित मार्ग प्रशस्त करने वाले इंसान थे और समाज में सम्माननीय भी थे। अब्राहम की एक बड़ी बहन सारा और एक छोटा भाई थॉमस था जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। जमीन के विवाद के समय सन 1817 में लिंकन को कैंटुकी से इंडियाना के पैरी काउंटी में आना पड़ा जहां उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में रह रहा था, किंतु थॉमस ने अंत में एक जमीन खरीदी।
जब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 5 अक्टूबर सन 1818 में 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी दुनिया उजड़ गई थी और अब्राहम अपने पिता से अलग होते जा रहे थे और उस समय उन्होंने कड़ी मेहनत की। नैन्सी की मृत्यु के एक साल बाद दिसंबर 1819 में थॉमस ने सार बुश जॉनसन से शादी कर ली, जो कि खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। वे बहुत मजबूत और स्नेही महिला थी। उनकी अब्राहम के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। वे दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सार ने अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। थॉमस एक किसान थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अब्राहम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। एक और कारण था कि इंडियाना में पढ़ने के लिए किताबें आसानी से नहीं मिलती थी, जिसके कारण थॉमस को किताबें लेने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही पूरी की। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने चले गए। अब्राहम की उम्र इस समय 22 वर्ष थी। वे यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगे। अब्राहम लिंकन का कद 6'4" फुट था और वे दुबले पतले एवं लंबे थे, किंतु वे शरीर में की मोटी नौकरियाँ किया करते थे, जैसे चौकीदार, दुकानदार आदि, किंतु अंत में इन्होंने एक जनरल स्टोर खोल ली। ये सब कुछ सालों तक चलता रहा। सन 1837 में अब्राहम लिंकन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे विक पार्टी के नेता बन गए। कई सारे चुनाव लड़े, किंतु उनको आर्थिक विकास न होने और गरीबों को न्याय दिलाने के कारण उन्होंने फैसला किया कि वे वकील बनेंगे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हेरनदों के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वे वकील बन गए। वकालत से उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिलता था, जिसके सामने ये धन दौलत का कोई मोल नहीं था। वे अपने काम में बहुत ईमानदार थे, उसके किस्से आज भी प्रसिद्ध है। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज्यादा पैसे नहीं दिया करते थे जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार एक केस में उनके मुवक्किल ने उनको $25 दिए, किंतु उन्होंने $10 यह कहकर वापस दिए कि उनके केस के सिर्फ $15 ही होते हैं। इसी प्रकार एक बार एक महिला का केस जीतने के बाद उनके साथ काम करने वाले वकील ने उनसे ज्यादा पैसे ले लिए, किंतु अब्राहम ने उससे पैसे वापस करने को कहा। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी थे। उनका कहना था कि जब कोई अच्छा करता है तो अच्छा महसूस करता है और जब बुरा करता है तो बुरा महसूस करता है, और यही उनका धर्म था। सन 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते वे बहुत से चुनाव में खड़े हुए। तब वे विक पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वो पार्टी खत्म हो गई। 1856 में नए गणतंत्रवाद रिपब्लिकन के सदस्य बन गए। इस नई पार्टी के वे बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। इस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए और उन्हें बहुत कम वोट मिले, जिससे वे इस चुनाव में हार गए और उन्होंने राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझा। राष्ट्र का पूरा ध्यान कैनसास में हो रही हिंसा और डरेब स्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसला की तरफ चला गया था, जो कि नए राज्य में गुलामी के मामले के बाद विवाद पर था। लिंकन को लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि लिंकन ने देश में हो रही गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर ही रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि राष्ट्र से गुलामी की प्रथा खत्म हो जाए। गुलामी की प्रथा दक्षिण और उत्तर राज्यों के बीच थी। दक्षिण राज्य के गोरे निवासी कृषि के लिए उत्तर राज्य के निवासियों को बुलाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, किंतु अब्राहम लिंकन इस गुलामी की प्रथा को खत्म करना चाहते थे। 1 फरवरी 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुइसियान और टेक्सास अलग हो गए और एक गृहयुद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, लिंकन ने खुद से वादा किया और देश के लिए उन्मूलनवादी आंदोलन चलाया और वे इसमें सफल रहे। 1863 में अंत में बंधक मुक्त की घोषणा की और राज्य में गुलामों की आजादी के डॉक्यूमेंट बन गए, किंतु मिसौरी, केंसास, नेब्रास्का और अरकांसास में गुलामों को कानूनी दांव पेंच से आजादी नहीं मिली। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के गृहयुद्ध, जो कि उनके खून, नैतिकता, संविधान और राजनीति की लड़ाई थी, में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कहना बस काफी नहीं होगा कि युद्ध सिर्फ गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था, अपितु इस युद्ध का कारण अलग अलग विचारधारा होने के विरोध का परिणाम था। दक्षिण राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेती करने के लिए अफ्रीका से आए गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे, जबकि 1801 में उत्तर राज्य में इस प्रथा के खिलाफ कानून बना दिए थे। उत्तर के निवासी मशीन युग में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करने लगे थे और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, किंतु दक्षिण के निवासी केवल खेती पर ही आधारित थे। उन्होंने युग के साथ प्रगति नहीं की और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिण राज्यों के लिए सख्ती नहीं अपनाई गई और गुलामी की प्रथा खत्म करके गुलामों को आजाद करने का कानून बना दिया गया।
14 अप्रैल 1865 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक फोर्ड सिनेमाघर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्किंस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। गेटिसबर्ग संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। इसे लिंकन ने बृहस्पतिवार 19 नवंबर 1863 को पेंसिल्वेनिया राज्य के गेटिसबर्ग शहर में राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर पढ़ा, जब अमेरिकी गृहयुद्ध को खत्म हुए 4.5 महीने हुए थे और अमेरिका दो हिस्सों में खंडित होते होते बचा था। पूरा भाषण केवल लगभग 2 मिनट का था, लेकिन उसमें मानवों के समान अधिकारों और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में उठाए गए असूलों को उन्होंने नए शब्दों में दोहराया। सतासी वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर स्वतंत्रता के आदर्श में एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, जो इस प्रस्ताव को समर्पित था कि सभी नागरिकों को एक समान हक दिया जाए। आज एक भयंकर गृह युद्ध हमारे सामने आ खड़ा है, ये आजमाने कि क्या ये राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो इन्हीं आदर्शों पर बनाया गया हो कायम रह सकता है या नहीं। इस जंग के बाद अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद को समर्पित करें उस अधूरे कार्य के लिए जो यहां लड़ने वालों ने इतनी शान से आगे बढ़ाया। हम सभी को एकजुट होकर उस महान कार्य को अंजाम देना होगा, जिसे पूरा करने के इरादे से हमारे इन शहीदों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए अर्पित कर दिया है। आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस राष्ट्र में ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म होगा। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता की हो, जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो, और इस स्वतंत्रता को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हमारे दुश्मन जा चुके हैं, कुछ वापस यूरोप लौट गए, कुछ दक्षिण अमेरिका और कुछ पूर्वी देशों में। वो जान गए कि अमेरिका हमेशा जीवित लोगों का देश रहेगा, आजाद लोगों का देश।